गुड मॉर्निंग एवरी वन, यू आर वेलकम ऑन एमडीएन एजुकेशन टुडे। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 10th क्लास सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी। वी आर डिस्कसिंग आर फर्स्ट आर सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक द थीफ स्टोरी रिटन बाई रस्किन बॉन्ड। तो थीप स्टोरी के अंदर क्या है, लेट्स स्टार्ट। तो थीप स्टोरी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि प्रोफेशनली है, जो वो एक थीप है और उसको एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी मिलती है उसकी लाइफ में जो अपनी गुडनेस, अपनी सिंसियरिटी, ट्रस्ट की वजह से उसकी लाइफ को चेंज कर देता है, उसकी मेंटेलिटी को चेंज कर देता है। समझ में आया कि जो एक चोर है वो चोरी करते करते, मतलब वो क्या करता है, उसकी एक आदत है, हैबिट है कि वो लोगों को पहले फ्रेंड बनाता है उसके बाद उनको रोब करता है। तो इसी तरह से वो एक ऐसे व्यक्ति से फ्रेंडशिप करता है जिसकी अच्छाई, गुडनेस, ट्रस्ट, विश्वास और इजी गोइंग कह सकते हो एंड सिंसियरिटी की वजह से वो चोर है जो वो एक अच्छे व्यक्ति के अंदर बदल जाता है, क्योंकि वो जो पर्सनैलिटी है वो उसको काफ़ी कुछ करना सिखाती है। सो लेट स्टार्ट। द नरेटर वॉज अ थीफ। इस कहानी का जो नरेटर है वो कौन है, एक चोर है, थीफ है। ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। वह 15 साल का था। इस कहानी का जो नरेटर है वो कौन था, एक चोर, और वो 15 साल का था। बट ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल थीफ। लेकिन वो एक अनुभवी और सफल चोर था। ही मेट अनिल। वह अनिल से मिला। अनिल हैड बीन वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अब वो किससे मिला, दो कैरेक्टर यहाँ पर आ गए, एक कौन है थीफ और दूसरा कौन आ गया, अनिल। तो जो थीफ है वो किससे मिला, अनिल से, और अनिल उस समय क्या कर रहा था, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मतलब कुश्ती का मैच। ही वॉज अबाउट 25, और वो कितने का है, लगभग वो 25 का है। ही वॉज अबाउट 25। अबाउट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, लगभग के लिए, अप्रोक्सीमेटी दर्शाने के लिए, अप्रोक्सीमेटी दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट का, ठीक है। ही वॉज लीन एंड टॉल। वह पतला और लंबा था। लीन क्या होता है, पतला। ही लुक्ड काइंड, सिंपल एंड ईजी गोइंग। वह बहुत दयालु, साधारण और इजी गोइंग का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस नज़र आता था। मतलब उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ या खासियत नहीं दिखाई देती थी कि जैसे कि वो लगे हाँ वो चालाक है। द नरेटर सून मेड अनिल हिज फ्रेंड। अब दोनों के बीच ऐसी वार्तालाप हुई, ऐसी कन्वर्सेशन हुई कि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। नरेटर ने अनिल से जल्दी ही मित्रता कर ली। ही लाइड दैट हीज नेम वॉज हरी सिंह। उसने झूठ बोला और उसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह। अनिल अवॉइडेड हिम। अनिल ने उसको अवॉइड कर दिया। अब देखो, पहले चोर का नाम नहीं था तो चोर का नाम क्या है, हरी सिंह। उसने ऐसा लाई किया है, बाकी ही वॉज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा था, उसका नाम हरी सिंह नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसका नाम क्या है, हरी सिंह। तो अनिल ने उसको अवॉइड किया, बट हरी सिंह फॉलोड अनिल आफ्टर द मैच वॉज ओवर। लेकिन हरी सिंह अनिल को फॉलो करता रहा मैच के खत्म होने तक। ही आस्क्ड अनिल फॉर वर्क। और उसने क्या किया, ही मतलब हरी सिंह ने, हरी सिंह मतलब चोर, तो चोर ने अनिल से काम मांगा, काम के बारे में पूछा। आस्क फॉर क्या था, मांगना। तो अनिल से उसने क्या मांगा, काम मांगा, भी मुझे कोई काम दे दीजिए आप। ही वॉज रेडी टू वर्क फॉर अनिल इफ ही कुड फीड हिम। और वह अनिल के लिए काम करने के लिए रेडी हो गया यदि अनिल उसे सिर्फ खाना दे दो, खाने के लिए दे सके तो वह अनिल के लिए काम करने के लिए रेडी हो गया। अनिल एग्री टू गिव हिम वर्क, और अनिल उसको काम देने के लिए राजी हो गया इफ हरी सिंह कुड कुक फूड फॉर बोथ। मतलब यदि हरी सिंह उन दोनों के लिए खाना बनाए तो वो उसको काम देगा। द थीफ लाइड।
थीफ ने झूठ बोल दिया, मतलब सेकंड टाइम उसने फिर झूठ बोला। फर्स्ट टाइम झूठ कब बोला था? जब उसने अपना नाम हरी सिंह बताया, उसका नाम रियल नाम हरी सिंह नहीं था, वो चेंज कर लेता है अपना नाम। और वो ऐसा क्यों करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। द थीफ लाइड, अब थीफ ने यहाँ पर भी झूठ बोला। ही सेड दैट ही वॉज अ गुड कुक, उसने कहा कि वो तो बहुत अच्छा कुक है। सो अनिल टुक हिम टू हिज रूम, तो इसलिए अनिल उसे अपने रूम पर ले गया। हरी सिंह प्रिपेयर द मील, और हरी सिंह ने खाना बनाया। अनिल हैड टू गिव इट टू अ डॉग एज इट वॉज टेस्टलेस। अब वो खाना इतना जल गया था, इतना टेस्टलेस था कि अनिल ने उसे गली के कुत्तों को फेंक दिया। ही आस्क द नरेटर टू गो, और उसने नरेटर को जाने के लिए कहा। बट ही रिमेन्ड देयर, लेकिन नरेटर मतलब थीप वहीं रुका रहा। एट लास्ट अनिल टोल्ड हिम टू स्टे, और अंत में अनिल ने उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि उसने कुछ इसी तरह की एक्टिविटी की। उसने स्माइल दी, जो कि हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं, उसने स्माइल दी, और उसकी स्माइल जो थी वो अनिल के हार्ट को, जो मतलब वो इजी गोइंग पर्सन था, तो उसने उसको इम्प्रेस किया, और अनिल ने उसको वहाँ रुकने के लिए कहा। ही आल्सो टोल्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू कुक फूड। अब वो इतना ट्रस्टफुल था, दूसरों के ऊपर इतना मतलब जल्दी विश्वास कर लेता था, तो इसलिए उसने हरी सिंह को कहा कि वह उसे खाना किस प्रकार बनाते हैं ये सिखाएगा। अनिल टुक अपॉन हिमसेल्फ टू टीच हिम हाउ टू रीड एंड राइट। अब अनिल ने क्या किया? अनिल टुक अपॉन हिमसेल्फ टू टीच हिम हाउ टू रीड एंड राइट। अनिल क्या करता था? अनिल किस तरह से, अनिल ने उसको सिखाया कि किस तरह से लिखे और किस तरह से पढ़े। द थीफ मेड द मॉर्निंग टी, जो थीफ है वो सुबह की चाय बनाता। एंड ही ब्रोट द डेली सप्लाइज, और वो दिन के जो मतलब जो भी सामान लेके आना होता था वो लेके आता था, खरीदता था। हरी सिंह मेड अ प्रॉफिट फ्रॉम द परचेजेज। अब हरी सिंह बड़ा चालाक था, वो परचेजिंग में भी प्रॉफिट कमाता था, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना। यदि आपसे मम्मी पापा ने 10 रुपए की चीज़ मंगाई है, तो आप क्या करोगे? 1 रुपया खाए जाओगे, 9 रुपए की चीज़ लेके जाओगे, तो कोई पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह से हरी सिंह करता था। तो हरी सिंह परचेजिंग में प्रॉफिट कमाता था, मतलब वो क्या करता, यदि 5 रुपए की चीज़ मंगाई है तो 4.5 रुपये या 4 रुपये के लिए आता, 1 रुपया हजम कर जाता। अनिल वॉज अवेयर ऑफ इट, अनिल को इस बात का पता था। बट ही नेवर स्पोक अबाउट इट, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। तो आगे की जो समरी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो आई कौन है यहाँ पर? ये टेक्स्ट में आएगा, यहाँ पर नहीं है समरी में। आई कौन है यहाँ पर? आई इज द स्टोरी रेफर्स टू द नरेटर। तो नरेटर कौन है? जैसा कि हमने समरी में पढ़ा है, नरेटर एक थीफ है, और उसका नाम क्या है? हरी सिंह। वट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ये भी टेक्स्ट में आएगा। तो वो फेयरली मतलब हमने पढ़ा है ना, ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल थीफ। तो वो क्या था? ये टेक्स्ट में आएगा, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो मतलब वो अपने काम में बहुत ज़्यादा सफल था। तो इसका मतलब क्या है? ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रोबिंग पीपल, मतलब वो लोगों को लूटने और चोरी करने में बहुत ज़्यादा सफल हो गया था, मतलब लोगों को डिसीव करता था, उसके बाद उनको रोब कर लेता था। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो अनिल को जब उनकी फ्रेंडशिप हुई, तो अनिल ने उसको किस कंडीशन के ऊपर है जो वो घर में रखने की, या फिर उसको काम देने की, क्या कही मतलब क्या काम दिया उसको, या फिर अनिल से उसको रिटर्न में क्या मिलता था? इन रिटर्न फॉर हिज वर्क ही गेट्स फ्रॉम अनिल फूड एंड प्लेस फॉर स्लीपिंग, मतलब उसे क्या मिलता था? सिर्फ फूड मिलता था खाने के लिए, और प्लेस मिलती थी स्लीपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, मतलब वो अनिल को लूट लेता है और
ये हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होता है, देखो द थीफ थिंक्स दैट, मतलब ये क्वेश्चन थोड़े एडवांस में कर लेते हैं हम, क्योंकि जो पहले वाले क्वेश्चन हैं वो एक एक लाइन के हैं। तो द थीफ थिंक्स दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट, मतलब चोर ने सोचा, चोर सोचता है कि जब डिस्कवरी का पता चलेगा, अनिल फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस। तो अनिल का जो चेहरा है वो सिर्फ हल्की सी सैडनेस का भाव ही दर्शाएगा, मतलब उसे थोड़ी उदासी होगी, थोड़ा परेशान होगा वो। एंड द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, और जो उदासी होगी, जो परेशानी होगी, वो पैसे के लॉस की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वासघात करने की वजह से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, मतलब ये तो जो थीप है उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जब वो लोगों को लूटता है तो वो किस किस तरह की रिएक्शन करते हैं, तो ये उनके बारे में बताता है। क्या है, इन ही शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, मतलब एक चोर के रूप में अपने शॉर्ट कैरियर में, करियर मतलब यहाँ पर लाइफ, ही हैज स्टडीड रिएक्शन ऑफ सो मेनी पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड ऑफ, यहाँ पर ओ एफ आएगा, OFF नहीं आएगा। तो थीप कहता है कि जब वो लोगों को लूटता है, तो जब वो लोगों को लूट लिया जाता है तो वो किस तरह से रिएक्शन देते हैं, तो उसकी उसने अपने जीवन में स्टडी की है। ही हैज ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया दैट द ग्रीडी मैन शोज फियर। तो यहाँ पर पीपल भी हटा दें आप, क्योंकि टेक्स्ट में मैन है, पीपल भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर जो वर्ब है उसका सिंगुलर प्लूरल चेंज हो जाएगा। तो देखो द ग्रीडी मैन है, ग्रीडी मैन सोच एंगर, जो लाल सॉरी फियर, जो लालची व्यक्ति है वो उसको डर रहेगा भी कहीं मेरा और भी ज़्यादा पैसा चोरी ना हो जाए। द रिच मैन सोच एंगर, अब जो धनी व्यक्ति होता है वो एंगर दिखाता है कि मेरे पैसे लूट लिए, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सभी रिच मैन शो करता है। एंड द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति के पास, बेचारे के पास कुछ भी ऐसा एटीट्यूड नहीं होता, एरोगेंस नहीं होता कि वो ये सब दिखाए कि उसको डर लगे या फिर वो गुस्सा हो। तो वो तो जो हो चुका है सो हो चुका है, भगवान की मर्जी थी ये कह करके उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन, आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे टुडे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।